हेलो दोस्तों, मैं हुसैन यार, आप लोग हुसैन का रिएक्शन चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने वाला हूँ देवदा का एक सॉन्ग पर। उस सॉन्ग का टाइटल है लव मी और काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉन्ग है। काफ़ी जब ये रिलीज हुआ था उस टाइम का पूरा फेमस सॉन्ग है। तो आप लोगों को कितना अच्छा लगता है ये सॉन्ग सुनने में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कितना बार इस सॉन्ग को सुना है वो भी ज़रूर बताइएगा। और आप लोग और किसी अगर सॉन्ग पर रिएक्शन कराना चाहते हो देवदा का, तो हमें कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट कीजिएगा, हम उसी सॉन्ग पर आप लोगों के लिए रिएक्शन लाऊँगा भाई। और देवदा तो अभी पूरा फेमस हो चुका है क्योंकि वो उसका खदान मूवी का टीज़र आया था। टीज़र कितना भाई फेमस हो रहा है, पूरा सोशल मीडिया में पूरा वायरल हो रहा है एकदम। उसका सिर्फ चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया पर देवदा का कि बंगाली इंडस्ट्री भी लौट आया है भाई, देवदा भी लौट आया है आप एक्शन अवतार में। तो चलिए पहले मैं इसका ये लव मी सॉन्ग सुन लेता हूँ, फिर आप लोगों से डिस्कस करता हूँ सुनने के बाद। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करता हूँ, 3 2 1 चालू। लोकेशन देखिए ना, क्या मस्त लोकेशन। आप लोग कैसा लग रहा है सॉन्ग कमेंट कीजिए, बराबर से बताइए कमेंट करके। और आप लोग कितना बार सुना है वो सॉन्ग को वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस टाइम भी इतना अच्छा लोकेशन में शूट किया गया है सॉन्ग को। क्या डांस, उस टाइम भी पहले बंगाली मूवी का बजट भी बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब भी थोड़ा बजट कम गया है, इसी वजह से इतना फेमस नहीं हो पाता है बंगाली कोई मूवी। बजट की वजह से भी हिट नहीं होता है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है सॉन्ग, बराबर से कमेंट कीजिएगा भाई। काफ़ी हमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा है सॉन्ग सुनकर, काफ़ी मज़ा आ रहा है। चलिए आगे सुनता हूँ। सबसे कर ले प्यार।
भाई ये था सॉन्ग, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया हम। तो आप लोग कितना इन्जॉय किया वो हमें कमेंट करके बताइएगा। हमें तो काफ़ी मज़ा आया भाई, इंटरेस्टिंग लगा, और आप लोगों के साथ सुनने का मज़ा ही कुछ अलग आता है। हमें कोई भी सॉन्ग सुनता हूँ तो वो खासकर देवदा का सॉन्ग मज़ा आ जाता है भाई। तो आप लोग कितना बार सुने हुए सब सॉन्ग को, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम जब रिलीज़ हुआ था तो इतना बार 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 इस सब सॉन्ग को सुनता था। देवदा का सॉन्ग उस टाइम पूरा पॉपुलर हुआ करता था, जितना पगलू आया था, पगलू टू आया था, वो सब मूवी का सॉन्ग जो था ना, लाजवाब सॉन्ग होता था मस्त। और उस टाइम बजट भी मूवी का अच्छा खासा था, शूटिंग भी करता था तो एकदम फॉरेन एरिया में जाकर शूटिंग करता था, लोकेशन लाजवाब रहता था, मस्त रहता था। लेकिन अभी थोड़ा उतना ध्यान नहीं दे रहा बंगाली इंडस्ट्री लोग कि थोड़ा अच्छा खासा मूवी लाए, अच्छा खासा लोकेशन पर शूट करे, थोड़ा खर्च करे मूवी में, थोड़ा बजट मूवी ज़्यादा हो मूवी का तो लोग देखने के लिए जाएगा। जैसे खदान मूवी आ रहा है अभी देवदा का, टीज़र से लोगों के दिल में बैठ गया है भाई ये मूवी, और देवदा भी दिल में बैठ गया कि चलिए देवदा वापस तो आया, वापस आएगा, आ गया है अपने ओरिजिनल अवतार में, एक्शन अवतार में आ गया है। तो सब खुश है बंगाली इंडस्ट्री की तरफ, बंगाली इंडस्ट्री से सब खुश है कि चलिए कुछ तो अच्छा खासा आया। जो देवदा भी है जो लौट आ गया है एक्शन अवतार में, हर एक हीरो लौट के आ रहा है कि चलिए, हर एक हीरो एकदम अभी एक्शन मूवी कर रहा है तो देवदा क्यों पीछे रहेगा। उन्होंने भी अपना मूवी का टीज़र ला दिया है एक खदान नाम से, तो आप लोग नहीं देखा है तो जाइए देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेलर है, काफ़ी मज़ेदार टीज़र है, सॉरी टीज़र है। तो आप लोग जाइए और टीज़र देखिए और फिर हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे भी चैनल पे उसका रिएक्शन किया हुआ हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप लोग जाके उसको भी देख लीजिएगा। मैं रिएक्शन किया हूँ उसके टीज़र पर, काफ़ी इंटरेस्टिंग टीज़र है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है उस टीज़र से हमें। तो आप लोगों का थैंक यू इस तरह का रिस्पॉन्स देने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों को थोड़ा सा पसंद आता है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।